योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। विवाद से जुड़े सभी कप्तान नापे गए हैं। योगी सरकार का चाबुक चला है और नोएडा से वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण पर गिरी गाज, वायरल वीडियो मामले में हुई कार्रवाई, चौदह आईपीएस के किए तबादले। उत्तर प्रदेश के चौदह आईपीएस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला है और हाल ही में चर्चा में आए नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सस्पेंड किया है। दरअसल वैभव कृष्ण का एक महिला से चैट का वीडियो वायरल हो गया था जिसे उन्होंने फर्जी बताया था, लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ये वीडियो और चैट सही पाई गई। गुजरात के फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आते ही वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि वीडियो वायरल हो जाने के बाद वैभव कृष्ण ने खुद एफआईआर कराई थी। मेरठ के एडीजी और आईजी को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। जांच के दौरान आईजी ने वीडियो को फॉरेंसिक लैब में भेजा था। अधिकारी आचरण नियमावली के उल्लंघन किए जाने की वजह से वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने प्रेस बुलाकर प्रशासन को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट को लीक किया था। भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार, नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया सस्पेंड, तो वहीं लखनऊ एसएसपी कलानिधि नेथानी एसएसपी गाजियाबाद बनाए गए। डॉक्टर अजय पाल शर्मा को पुलिस अधीक्षक रामपुर से पुलिस अधीक्षक पीटीएस उन्नाव बनाया गया। गणेश शंकर शाह को पुलिस अधीक्षक से हटाकर पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार लखनऊ बनाया गया। राजीव नारायण मिश्रा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ से सेना नायक 24वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद भेजा गया। सुधीर कुमार सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद से 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा भेजा गया है। हिमांशु को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर सेना नायक 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा बनाया गया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य सचिव के निदेशक मीडिया दिवाकर खरे को भी हटा दिया गया है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है और ये दिखा दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कोई समझौता उन्हें मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 टीवी।